मांधाता थाना क्षेत्र एवं बड़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा नदी के एक्वाटिक पूल के नीचे से करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव सोमवार को बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। नावघाट खेड़ी के रहवासी नाविक बाबूलाल मंगले सुनील केवट ने अज्ञात शव मिलने की सूचना स्थानीय थाने को दी। सूचना के बाद मांधाता एवं बड़वा थाना प्रभारी अपने दलबल सहित मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लगभग 2 दिन पुराना शव होना बताया। पुलिस ने मृतक के शव को पीएम हेतु शासकीय अस्पताल भेजा। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक्वाडक्ट ब्रिज है, ये जो नर्मदा नदी की नहर का जो ब्रिज है, नया ब्रिज, उसके नीचे नर्मदा नदी में ही एक डेड बॉडी अज्ञात पड़ी हुई है। सूचना पर वहां पहुंच करके देखा गया तो एक करीब 25 साल का युवक मृत अवस्था में उसकी बॉडी पाई गई है और उसके शव को फिलहाल पीएम करने के लिए भेजा गया है। मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। मृतक की पहचान समीपस्थ ग्राम जगतपुरा के निकट खेड़ी टांडा निवासी संतोष पिता रत्न के नाम से हुई। प्राप्त जानकारी से मृतक युवक संतोष घर पर अपनी मां से कहा सुनी होने से नाराज होकर घर से बिना बताए चला गया, जिसके बाद परिजन सोमवार सुबह बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने बड़वा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने परिजनों को एक युवक की लाश मिलने की बात कहते हुए पहचान करने की बात परिजनों को कही। परिजनों ने मृतक की पहचान संतोष के रूप में की। मृतक युवक की मां शारदा ने बताया कि मेरे द्वारा डांटने पर वह बिना बताए चला गया था। एमपी न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट।